गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ सतीश कालड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय चैनल अल्टीमेट साइंस। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विषम पोषी पोषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पोषण जो है वो मेनली दो टाइप का है। सबसे पहला सपोषी पोषण, दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। सपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषी मीन जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सपोषी पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी। अब हम बात करेंगे जो विषम पोषी पोषण है, ये फर्दर जो है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्राणी संपोषण। अब क्या होता है प्राणी संपोषण, ध्यान से समझिएगा। प्राणी संपोषण क्या है, कुछ जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन उनके शरीर के अंदर होता है। यानी कि भोज्य पदार्थ लिया, उसे अपने शरीर के अंदर पहुंचाया, ठीक है, और उसके बाद उसका पाचन उनके शरीर के अंदर होता है। तो पोषण की इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण क्या है, अमीबा और मानव। जैसे हम मानव हैं, हम कोई भी खाद्य पदार्थ है उसे खाते हैं और उसका पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है, तो हमारे में कौन सा पोषण विधि है, हम ये कहें विषम पोषी पोषण की कौन सी विधि है, प्राणी संपोषण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगला है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी, नाम से पता चल रहा है, मृत जीवी मीन जो मरे हुए प्राणियों पर या ये कहें सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो कुछ जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पोषण की इस विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, फफूंदी कवक आदि। जैसे हमारे घरों से सब्जियों के छिलके निकलते हैं, या हमारे घरों में कई बार खाना ख़राब हो जाता है, या ये कहें कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो जो जीव उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उस तरह के पोषण को हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और उन जीवों को क्या बोलते हैं, मृत जीवी, जैसे सेप्रोफाइट्स। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण इसका दूसरा नाम है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, कुछ जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि क्या होगा, कुछ जीव ऐसे होंगे जो पौधे या जंतुओं के साथ अटैच हो जाएंगे, उनके संपर्क में आ जाएंगे, या तो उनके शरीर के अंदर रहेंगे चले जाएंगे, या उनके शरीर के बाहर ही उनके साथ जुड़ जाएंगे, और उस तरह से उन्हें वो मारेंगे नहीं, उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस पोषण की विधि को क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। उदाहरण क्या है, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि आदि। जैसे आप जानते हैं, जो बच्चे स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं उनके सिर के अंदर जुएं पड़ जाती हैं, बालों में जुएं पड़ जाती हैं, और वो जुएं क्या हैं, उनका खून चूसती हैं। तो इस समय में क्या होगा, वो जीव मतलब जुएं जो हैं उस जीव को नहीं मार रही, लेकिन क्या है, उसके सिर से पोषण प्राप्त कर रही हैं, खून को चूस रही हैं, ठीक है। तो ये पोषण की विधि क्या है, परजीवी पोषण, और इन जीवों को क्या बोलते हैं, परजीवी, जैसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक पोषित जीवों में पोषण। अब एक पोषित जीव होते क्या हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, सिंगल एक, और सेलुलर मीन कोशिका, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना है उन्हें क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और उसके दो उदाहरण हैं, एक है अमीबा, दूसरा क्या है, पैरामीशियम। अब हम बात करेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, ठीक है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जितने बहुकोशिकीय जीव हैं उनके अंदर तो पोषण के लिए, उनके अंदर तो भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए विभिन्न अंग होते हैं, लेकिन जो जीव केवल एक ही कोशिका से बना है उसमें कोई ऐसे विशिष्ट अंग नहीं है, तो वहाँ पर उनमें भोजन जो है शरीर की कोशिका की सतह से ही लिया जाता है, संपूर्ण सतह से। ऐसे ही अमीबा की कोशिका की सतह में कुछ अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्ध निकल जाते हैं, जिन्हें स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है। अब जैसे हमारे हाथों की उंगलियां होती हैं, पैरों की उंगलियां हैं, ऐसे ही अमीबा में से, अमीबा के कोशिका की सतह से कुछ उंगली जैसे प्रवर्ध, उंगली जैसी संरचनाएं बाहर निकल जाती हैं अपने आप से। ये अस्थाई होते हैं क्योंकि इनका आकार भी, और इनके जो है हम बात करें, इनका आकार और साइज बदलता रहता है, यानी कि फिक्स नहीं होता, इन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा इन्हीं प्रवर्धों की मदद से भोजन प्राप्त करता है, इन्हें पादाब भी कहा जाता है। तो देखिए, स्यूडोपोडिया, पादाब, और इनका एक और नाम है कोटपाद। क्या नाम है इसका, कोटपाद, ये भी कहा जाता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं।
जब भी भोजन इनके पास आएगा तो ये प्रवर्ध आगे बढ़ेंगे और भोजन के कणों को चारों तरफ से घेर लेंगे और संगलित होकर यानी कि ये पादप आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं जिसे फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल में हो जाता है, यानी कि जो जटिल पदार्थ है, भोजन शुरू में किस अवस्था में होता है, जटिल फॉर्म में होता है, तो वो जटिल जो हैं जटिल पदार्थ टूट कर किसे बदल जाएंगे, सरल पदार्थों में, और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि जो सरल पदार्थ बने वो उसके बाद क्या करेंगे, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसमें विसरण हो जाएगा और बचा हुआ अपच पदार्थ जो भोजन हमारा नहीं पचा है या अमीबा के अंदर जो भोजन नहीं पचा है या ये कहें जटिल से सरल में नहीं बदला है उस वो अपच पदार्थ कोशिका के स्तह की ओर गति करता है, यानी कि कोशिका के सिरे की ओर गति करता है, स्तह की ओर सरफेस की तरफ गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसे मैं डायग्राम से बताऊँगा बेटा, देखिएगा कैसे। देखिए आपके सामने है, यहाँ आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले ये है हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी है, पूरी की पूरी किसकी स्ट्रक्चर है, अमीबा की, ठीक है, दिख रहा है। अमीबा में एक केंद्रक है और ये देखिए ये रेड रेड जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, खाद्य कण, क्या है, खाद्य कण। और जो ये उंगली जैसी संरचनाएं दिख रही हैं आपके सामने, ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, ये सब क्या है, हमारे अमीबा के पादाब या कूटपाद या इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब मैंने आपको बताया जैसे ही अमीबा, ए डायग्राम ए चित्र को देखिएगा, जैसे ही कोई खाद्य कण अमीबा के पास आता है तो अमीबा उसकी ओर गति करता है और उसके बाद क्या है, उसके स्यूडोपोडिया यानी कि पादाब जो हैं उस खाद्य कण को घेर लेते हैं। बी पॉइंट में आप देख रहे हैं बी चित्र में कि वो उसने खाद्य कणों को घेर लिया अमीबा के स्यूडोपोडिया ने, और फिर क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जाके, इस पॉइंट पर जाके, जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ, ये स्यूडोपोडिया आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे से संगलित हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, एक खाद्य रिक्तिका जिसे क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बन गया हमारे पास, फूड वैक्यूल। अब यहाँ क्या होगा, जटिल पदार्थ का विघटन होगा, वो किस में बदल जाएगा, सरल में, सरल पदार्थ में, और उसके बाद ये जो सारा है ये हमारे पास क्या है, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर वह सरल पदार्थ पहुँच जाता है। इस प्रकार अमीबा अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है चीज़। अमीबा में भोजन प्राप्त करने के लिए कौन से प्रवर्ध है, तीन नाम है उसके, पहला नाम स्यूडोपोडिया, दूसरा नाम पादाब, तीसरा नाम क्या है, कूटपाद, क्लियर। अब देखिएगा अगला एक कोशी जीव है हमारे पास पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम भी क्या है, एक एक कोशी जीव है, इसकी कोशिका की सतह के चारों ओर कुछ बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पक्षाब या सिलिया कहा जाता है। यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है, मतलब पूरे के पूरे सतह से नहीं लेता, पैरामीशियम में एक विशेष स्थान है, केवल वहीं से भोजन को ग्रहण करता है और उस स्थान तक भोजन जो है कैसे पहुंचेगा, पक्षाब की गति के द्वारा पहुंचता है, यानी कि पक्षाब भोजन को उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर स्थान पर, उस विशिष्ट स्थान पर लेके जाते हैं और वह भोजन को ग्रहण करता है। इस प्रकार पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है। आप जरा डायग्राम से देखिएगा, देखिए ये है हमारा पैरामीशियम, क्या है हमारा, पैरामीशियम का डायग्राम, जरा चेक कीजिएगा। इस पैरामीशियम के डायग्राम में आप देख रहे हैं जो ये बालों जैसी संरचनाएं हैं बाहर की तरफ ये दिख रहे हैं, ये सारे जो हैं ये सब क्या है हमारे पास, इन्हें बोलते हैं पक्षाब या क्या बोलते हैं, सिरिया। और ये है इसके अंदर मुंह जैसी संरचना जो ये दिख रही है, ये हमारे पास है मुंह जैसी संरचना, यहाँ से वह भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, पैरामीशियम। और इनको क्या बोलते हैं हम, हमारे पास क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सिलिया, ठीक है, सिलिया बोल देते हैं। और वैसे नाम क्या है इनका, पक्षियाब, क्या नाम है इन्हें, पक्षियाब, क्लियर। तो ये हमारे पक्षियाब, सिलिया, पैरामीशियम के अंदर पक्षियाब जिन्हें सिलिया भी बोलते हैं, ये है मुंह जैसा स्थान, भोजन को कौन लेके आएगा, ये पक्षियाब लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इस विशेष स्थान मुंह के पास लेके जाएंगे और इस तरह से भोजन उनके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, पैरामीशियम के शरीर के अंदर, क्लियर। ये हमारे पास था एक कोशी जीवों में भोजन का, मतलब एक कोशी जीवों में पोषण। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, बेस्ट विशेज़।